गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेज। आज का अपना जो वीडियो है काफ़ी मज़ेदार होने जा रहे हैं, क्योंकि आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है अर्डिनो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अर्डिनो कम्युनिकेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि अर्डिनो कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद अपन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में स्टडी करेंगे। तो अर्डिनो कम्युनिकेशन क्या है, देखो अर्डिनो जो है उसमें कम्युनिकेशन का मतलब है डेटा एक्सचेंज। तो अर्डिनो, दो अर्डिनो के बीच में जो डेटा एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं अर्डिनो कम्युनिकेशन, और जिस सेट ऑफ रूल के थ्रू ये एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो देखो सिंपल सा क्या हो गया, इन एम्बेडेड सिस्टम द कम्युनिकेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू माइक्रो कंट्रोलर्स इन द फॉर्म ऑफ बिट। अर्डिनो के बीच में जो माइक्रो कंट्रोलर के बीच में जो डेटा एक्सचेंज होता है वो बिट की फॉर्म में होते हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ डेटा बिट इन माइक्रो कंट्रोलर इज डन बाई सम सेट ऑफ डिफाइंड रूल नॉन एज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अब देखो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की आवश्यकता क्यों पड़ी, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो देखो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का यूज करके अपन क्या करते हैं, जो सेंसर है इस प्रोटोकॉल का यूज करके हम सेंसर के डेटा को अर्डिनो पर भेज सकते हैं। जब अपन अर्डिनो पे कोई भी सेंसर कनेक्ट करते हैं तो उस सेंसर का जो डेटा है वो अपन अर्डिनो पर कैसे लाएंगे, अपन जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज लेके उसको ला सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं डेटा ट्रांसमिट टू मॉड्यूल। अगर अपने को क्या करना है, किसी भी मॉड्यूल को अर्डिनो से डेटा ट्रांसफ़र करना है तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की आवश्यकता होगी। यहाँ देखो अपन ने क्या किया है, ये अपने पास अर्डिनो है, यहाँ पे सेंसर और मॉड्यूल ले लिए। तो देखो ये शो कर रहा है कि जो सेंसर जो है उससे अपने को डेटा किसको देना है, अर्डिनो को देना है, और अर्डिनो से किसको दे रहे हैं, मॉड्यूल को दे रहे हैं। तो यहाँ पे किसकी आवश्यकता होगी, यहाँ पे अपने को प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, दूसरा होता है पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन सा होता है, पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन सा होता है वो देखते हैं। देखो ये सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, यहाँ पे देखो ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, ये क्लॉक है। तो सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है, जो डेटा होता है वो डेटा सीरियली वन बाय वन अपन ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, देखो क्या है अपने पास, इफ द डेटा इज सेंट इन सीरीज वन आफ्टर द अदर देन द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नोन एज सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब सीरियल कम्युनिकेशन किस में यूज लेते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है CAN में, इथरनेट में, I2C, SPI, RS-232, USB, वन वायर कम्युनिकेशन और SATA, इन सब में अपन सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज में लेंगे। ठीक है, अब देखो मोर स्पेसिफिकली द डेटा बिट्स आर ट्रांसमिटेड वन एट ए टाइम इन सिक्वेंशियल मैनर ओवर द डेटा बस और कम्युनिकेशन चैनल इन सीरीज कम्युनिकेशन। सीरीज कम्युनिकेशन में क्या होता है, सिक्वेंशली एक एक बिट अपन ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया सीरियल कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पे शो किया हुआ है, यहाँ पे वन बाय वन बिट जाएगा इसके पास, पहले ये बिट जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। तो इस टाइप से जो है जब अपन एक एक बिट ट्रांसफर करते हैं ट्रांसमीटर से रिसीवर को, वो कहलाता है सीरियल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट आगे देखो पैरेलल कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है, पैरेलल कम्युनिकेशन ट्रांसफर मल्टीपल बिट एट द सेम टाइम, एक ही समय में अपन मोर देन वन बिट को अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। किसमें, पैरेलल कम्युनिकेशन में अपने को डेटा बस की जरूरत पड़ती है। डेटा बस जो है वो 8 बिट का हो सकता है, 16 बिट का हो सकता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। देखो यहाँ पे शो किया गया है, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। अपन क्या करते हैं, एक ही टाइम में B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, ये जो सारी बिट हैं इनको एक ही साथ ट्रांसमीटर से रिसीवर को सेंड करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। देखो ये सीरियल कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन, ये सारे आगे अपने यूज में आएंगे, इसलिए मैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। ये अपने पास क्लॉक सिग्नल है। ठीक है,
अब पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज आता है? पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आईएसए में यूज आता है, एटीए, एससीएसआई, पीसीआई एंड आईईई 488, इन सब में क्या है पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन अर्डिनो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब देखो, जब अपन क्या करते हैं, वी कैन ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम आईआर सेंसर टू अर्डिनो। आईआर सेंसर से अर्डिनो को जब अपन डेटा ट्रांसफर करते हैं तो किसी प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन काफी सारे कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल है, जैसे जैसे गिरोस्कोप सेंसर है, एसडी कार्ड मॉड्यूल है, वाईफाई मॉड्यूल है, इन सब में अपन अगर डेटा ट्रांसमिट करते हैं या डेटा रिसीव करते हैं तो अपने को कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो, जो अर्डिनो जो है वो तीन टाइप के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। कौन कौन से? फर्स्ट होता है यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इसको सीरियल प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। दूसरा है एसपीआई प्रोटोकॉल, तीसरा है आई2सी या I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये तीन टाइप के प्रोटोकॉल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कम दो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों कम्युनिकेशन को प्रोटोकॉल को अपन डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अपन क्या करते हैं, यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टडी करेंगे। तो यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल देखो फुल डुप्लेक्स होता है ये। ठीक है, दूसरा जो है ये यूआर्ट कम्युनिकेशन जो है एसिंक्रोनस होता है। तो अपने को सबसे पहले जो है ट्रांसमिशन मोड्स अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैंने तुम लोगों को बताया था अभी जस्ट सीरियल कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन, वो सारा तुम लोगों को बताया था। तो जो जो इसमें अपने यूज में आएंगे वो सारा अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ट्रांसमिशन मोड इन सीरियल कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन जो है तीन टाइप की ट्रांसमिशन मोड को सपोर्ट करता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो सिंप्लेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स होता है, तीसरा क्या होता है फुल डुप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिंप्लेक्स में देखो क्या होता है, इन सिंप्लेक्स मेथड आइदर ऑफ द मीडियम सेंडर और रिसीवर कैन बी एक्टिव एट ए टाइम। सो इफ द सेंडर इज ट्रांसमिटिंग द डेटा देन रिसीव कैन ओनली एक्सेप्ट एंड वाइस वर्सा। देखो इसमें क्या होता है, ये सेंडर है, ये रिसीवर, अगर सेंडर को डेटा सेंड करना है तो केवल सेंडर एक्टिव होगा, सेंडर ही डेटा जो है इसको सेंड कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें टीवी है, रेडियो है, ये सारे क्या है, ये सिंप्लेक्स मेथड होते हैं किसके, ट्रांसमिशन मोड के। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन इसका उल्टा करना है, रिसीवर अगर सेंड करता है तो रिसीवर एक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं हाफ डुप्लेक्स मेथड। हाफ डुप्लेक्स मेथड में क्या होता है, इन हाफ डुप्लेक्स मेथड बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन बी एक्टिव बट नॉट एट द सेम टाइम। देखो सेंडर जो है वो भी डेटा सेंड करता है, रिसीवर भी सेंड कर सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं करेंगे। अगर सेंडर डेटा सेंड कर रहा है तो रिसीवर इसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। अगर रिसीवर ये सेंड करेगा तो ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। सो इफ द सेंडर इज ट्रांसमिटिंग देन रिसीवर कैन एक्सेप्ट बट कैन नॉट सेंड एट सिमिलरली वाइस वर्सा। एग्जाम्पल इंटरनेट वेयर the user send a request for a data and the gets it from server। ठीक है, तो मैंने बताया है हाफ डुप्लेक्स मेथड में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर दोनों डेटा सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइम में सेंडर सेंड करेगा तो रिसीव केवल रिसीव करेगा, वो डेटा सेंड नहीं करेगा। समझ गए? फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स, इन फुल डुप्लेक्स मेथड बोथ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर कैन सेंड डेटा टू ईच अदर एट द सेम टाइम देन वेल नोन एग्जाम्पल इज मोबाइल फोन। देखो फुल डुप्लेक्स जो होता है उसमें सेंडर और रिसीवर दोनों सेम टाइम में डेटा सेंड भी कर सकते हैं, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अपन मोबाइल फोन यूज ले रहे हैं, तो अपन जब मोबाइल पर बातें करते हैं तो मान लो ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी को कॉल किया, तो ऑब्जेक्ट ए अपना मैसेज जो है बी को दे रहा है, बी ओ ए को दे रहा है, सेम टाइम में दोनों डेटा एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये कौन सा एग्जांपल है, ये है फुल डुप्लेक्स मेथड हो गया। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखो ये तीनों मैंने शो किए गए हैं, तीनों के ब्लॉक डायग्राम है, ये सिंप्लेक्स मेथड है, ये हाफ डुप्लेक्स मेथड है, ये फुल डुप्लेक्स मेथड है। ठीक है, अब आगे अपन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ईच ऑफ द सीरियल इंटरफेस कैन बी सॉर्टेड इंटू वन ऑफ टू ग्रुप। सीरियल इंटरफेस को अपन दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, एक तो सिंक्रोनस होता है, एक क्या होता है
एसिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस में क्या होता है, सिंक्रोनस में जो एक डेटा लाइन होता है एक क्लॉक लाइन होती है, इसमें जो है क्लॉक सिग्नल अपन यूज में लेते हैं, तो डेटा सिग्नल जो होता है वो क्लॉक सिग्नल के साथ पेयर होता है। ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है किसके बीच में, मास्टर और स्लेव के बीच में, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ इंटरफेस ऑल द डिवाइस यूज सिंगल सीपीयू बस टू शेयर डेटा एंड क्लॉक, द डेटा ट्रांसमिशन बिकम फास्टर विद सेम बस टू शेयर क्लॉक एंड डेटा। इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो फास्टर होता है। देर इज नो मिसमैच इन बॉड रेट इन दिस इंटरफेस, इस इंटरफेस में बॉड रेट में कोई मिसमैच नहीं होता। इन ट्रांसमीटर साइड में क्या होता है, देर इज ए शिफ्ट ऑफ द डेटा ऑन टू सीरियल लाइन प्रोवाइडिंग द क्लॉक एज ए सेपरेट सिग्नल एज देर इज नो स्टार्ट स्टॉप एंड पैरिटी बिट आर एडेड टू डेटा। अब देखो जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है इसमें क्लॉक सिग्नल अपन यूज में लेते हैं, जब अपन क्लॉक सिग्नल यूज में लेंगे तो इसमें स्टार्ट स्टॉप पैरिटी बिट की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इन रिसीवर साइड द डेटा इज बीइंग एक्सट्रैक्ट यूजिंग द क्लॉक प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसमीटर एंड कन्वर्ट द सीरियल डेटा बैक टू द पैरेलल फॉर्म। देखो इनमें क्या होता है, डेटा स्टार्टिंग में अपने पास पैरेलल फॉर्म में होता है, उसको पैरेलल फॉर्म से अपन सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ट्रांसमीटर क्या करता है, जब सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद वो एक क्लॉक सिग्नल भेजता है रिसीवर को, ठीक है। रिसीवर के पास जैसे ही क्लॉक सिग्नल आएगा वो एक्टिव हो जाएगा। अब उसके बाद वो एक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब अब डेटा फ्रेम आ रहा है। अब ट्रांसमीटर जो है सिग्नल सेंड करेगा, डेटा सेंड करेगा, रिसीवर उस डेटा को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब इसमें देखो कोई भी स्टार्ट, कोई भी स्टॉप, कोई भी पैरिटी बिट की जरूरत नहीं पड़ी। अब रिसीवर क्या करेगा, वापस उस सीरियल डेटा को पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अगर अपन सिंक्रोनस जो इंटरफेस होता है वो किस में यूज लेते हैं, सिंक्रोनस इंटरफेस जो है I2C और SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में यूज आता है, ठीक है। ये अपन आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। ये देखो इसमें जो है ये क्लॉक सिग्नल है, ये डेटा है, तो इसमें जो है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्लॉक सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है इसमें क्लॉक सिग्नल अब्सेंट होता है, क्लॉक सिग्नल की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए और स्टेबल कम्युनिकेशन के लिए अपन इसको यूज लेते हैं। अब अपन ये देखेंगे कि जब अपने पास क्लॉक सिग्नल है नहीं तो रिसीवर को ये कैसे पता चलेगा कि जो ट्रांसमीटर है वो डेटा सेंड कर रहा है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो ट्रांसमीटर है वो जो डेटा फ्रेम है वो उसमें स्टार्ट बिट, उसमें पैरिटी बिट और उसमें जो है स्टॉप बिट ऐड करता है, जिससे क्या है रिसीवर को पता चल जाता है कि अब डेटा फ्रेम आ रहा है, अब डेटा फ्रेम यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखो इसमें ट्रांसमीटर और ये रिसीवर है, इसमें ये केवल डेटा बस है, ये केवल डेटा लाइन है, क्लॉक सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है ये RS-232 और RS-422, RS-485 इनमें जो है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब अपना जो मेन टॉपिक था UART कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, उस पे अपन फोकस करते हैं। UART कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है, सबसे पहले UART कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, इसको सीरियल प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरियल प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, UART का मतलब यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर है। यह एक हार्डवेयर पेरिफेरल है जो एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होता है, ठीक है। ये UART जो है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होता है। UART का फंक्शन क्या होता है, देखो सबसे पहले अपन देखेंगे UART का फंक्शन। UART का फंक्शन होता है, अगर वो ट्रांसमीटर साइड में है तो डेटा बस से जो डेटा आ रहा है पैरेलल फॉर्म में उसको सीरियल में कन्वर्ट करना, अगर रिसीवर में लगा रखा है तो रिसीवर में जो सीरियल डेटा है उसको पैरेलल में कन्वर्ट करना UART का मेन फंक्शन होता है, ठीक है, समझ गए। अब ये जो डेटा सेंड करता है ये बॉड रेट पे सेंड करता है, किस पे सेंड करता है, बॉड रेट पे। अब अपने को UART की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रोटोकॉल लाइक
SPI and USP are used for fast communication. When the high speed data transfer is not required, UART is used. अगर अपने को फास्ट कम्युनिकेशन हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र की आवश्यकता है तो अपन SPI और USB अपन यूज में लेंगे, लेकिन अपने को हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पे अपन UART कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज में लेते हैं। ठीक है, UART कम्युनिकेशन जो है ये सिंगल वायर होता है, इसमें क्या होता है सिंगल वायर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब देखो, द यू आर्ट दैट इज गोइंग टू ट्रांसमिट डेटा रिसीव द डेटा फ्रॉम डेटा बस, ये सारा अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं। देखो, मैंने तुम लोगों को बताया है यू आर्ट एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस का मतलब क्या हो गया कि यू आर्ट कम्युनिकेशन जो है उसमें क्लॉक सिग्नल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लॉक सिग्नल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो क्या होता है, UART में क्या होगा, जो अपना डेटा एक्चुअल डेटा जो है जिसको अपने को ट्रांसमिट करना है, तो ट्रांसमीटर साइड में UART जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, जो अपने पास डेटा बेस से पैरेलल डेटा आ रहा है उसको सीरियल में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ये उसमें क्या करता है, स्टार्ट भी ऐड करेगा, पैरिटी भी ऐड करेगा, उसके बाद स्टॉप भी ऐड करेगा, उसके बाद उसको सीरियली क्या करेगा, रिसीवर को सेंड कर देगा। अब रिसीवर क्या करता है, रिसीवर उसको रिसीव करेगा, रिसीव की सीरियल फॉर्म में करता है, फिर वो उसमें से क्या करेगा, स्टार्ट बिट को, पैरिटी बिट को और स्टॉप बिट को रिमूव कर देगा और उसको फिर से क्या है, पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसमें डेटा जो है पैकेट की फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, पैकेट की फॉर्म में आता है। अब देखो, यहाँ पे मैंने ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट किया हुआ है कैसे UART कम्युनिकेशन वर्क करता है। देखो, ये UART है, इसको अपन ट्रांसमीटर बोल सकते हैं। वैसे दोनों में ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। मान लो अपने को डेटा जो है UART 1 से UART 2 को सेंड करना है, अपन इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, UART 2 से UART 1 में भी। तो देखो, इसका ट्रांसमीटर इसके रिसीवर से कनेक्ट होता है, इसका ट्रांसमीटर इसके रिसीवर से कनेक्ट होता है। यहाँ पे अपन UART 1 से डेटा UART 2 में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले ये डेटा बस हो गया, बिट 0, 1, 2, 3, 7, ये 8 बिट जो है अपने पास डेटा है, ये डेटा बस के थ्रू UART 1 के पास जाएगा। ये किस फॉर्म में जा रहा है, पैरेलल फॉर्म में जा रहा है। अब UART 1 इसको सबसे पहले क्या करेगा, पैरेलल फॉर्म को सीरियल में कन्वर्ट करेगा। अब सीरियल में कन्वर्ट कर दिया, सीरियल में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या करेगा, उसमें स्टार्ट बिट ऐड करेगा, उसमें जो है पैरिटी बिट ऐड करेगा, उसमें जो है स्टॉप बिट ऐड करेगा, ये सब ऐड करके पैकेट की फॉर्म में ये UART2 को ट्रांसमिट कर देगा। UART2 उसको जो है सीरियली रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद ये क्या करता है, उसमें से स्टार्ट बिट को, उसमें से पैरिटी बिट को, उसमें से स्टॉप बिट को रिमूव करेगा और रिमूव करने के बाद उस डेटा को सीरियल से पैरेलल में कन्वर्ट करके आगे डेटा बस को दे देगा। ये मेन फंक्शन होता है यूआरटी का, यूआर्ट का। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब अपन बार बार डेटा फ्रेम, अपने पास एक टर्म आ रही है डेटा फ्रेम क्या होता है। देखो, डेटा फ्रेम, ये सारा डेटा फ्रेम है। ठीक है, तो ये अपने पास स्टार्ट बिट 1 बिट की होती है। उसके बाद अपने पास क्या होता है, अगर ये जो डेटा फ्रेम होता है ये 5 to 9 बिट का होता है, जो डेटा फ्रेम कितने का होता है, 5 to 9 बिट का। उसके बाद पैरिटी बिट होती है, पैरिटी बिट में या तो 0 होगा या 1 होगा। उसके बाद 1 या 2 बिट का स्टॉप बिट होता है, किस कितने बिट का होता है, 1 या 2 बिट का। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट बिट क्या होता है वो देखते हैं। स्टार्ट बिट क्या होता है, देखो स्टार्ट बिट क्या है, ट्रांसमीटर। अब ये क्योंकि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, इसका मतलब इसमें क्लॉक सिग्नल नहीं होता। अब क्लॉक सिग्नल नहीं होता तो ट्रांसमीटर जब डेटा सेंड करता है तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि ट्रांसमीटर डेटा सेंड कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट बिट जाएगा। स्टार्ट बिट क्या होता है, हाई सिग्नल पे होता है, और जब ये हाई से लो पे जाएगा तो रिसीवर को पता चल जाता है कि अब डेटा आ रहा है। तो देखो क्या है, UART डेटा ट्रांसमिशन लाइन इज नॉर्मली हेल्ड एट हाई वोल्टेज लेवल। जो स्टार्ट बिट है वो हाई वोल्टेज लेवल पे होती है नॉर्मली, व्हेन इट इज नॉट ट्रांसमिटिंग डेटा, जब ये डाटा ट्रांसमिट नहीं कर रही। टू स्टार्ट द ट्रांसफर ऑफ डेटा, जब डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट करती है, द ट्रांसमिटिंग UART पुल द ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम हाई टू लो।
तो हाई से किस पे जाएगा, लो पे जाएगा। अब रिसीविंग यूआरट जो है इसको डिटेक्ट करेगा कि हाई से लो पे जा रहा है, इसका मतलब ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है। इट बिगेन रीडिंग द बिट्स इन द डेटा फ्रेम एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉड रेट। तो रिसीवर क्या करेगा, बॉड रेट पर, बॉड रेट की फ्रीक्वेंसी पे डेटा को रीड करना स्टार्ट करेगा। उसको पता चल जाएगा कि अब अपने पास डेटा फ्रेम आ रहा है। अब डेटा फ्रेम क्या है, डेटा फ्रेम जो है उसमें एक्चुअल डेटा होता है जिसको अपने को ट्रांसमिट करना है, ठीक है। अगर अपन पैरिटी बिट यूज ले रहे हैं तो ये 5 to 8 bit का होता है, अगर पैरिटी बिट यूज नहीं ले रहे तो ये कितने बिट का होता है, 9 bit का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो स्टार्ट बिट हो गया डेटा फ्रेम, पैरिटी बिट क्या होता है, पैरिटी बिट क्या करता है, देखो जैसे ट्रांसमीटर ने डेटा सेंड कर दिया, रिसीवर ने डेटा रिसीव कर लिया, अब अपने को ये कैसे पता चलेगा कि जो डेटा ट्रांसमिट ने सेंड किया था वही एक्चुअल डेटा रिसीवर के पास पहुंचा है, उसमें कुछ एरर तो प्रोड्यूस नहीं हुआ है। उस एरर को चेक करने के लिए अपन ट्रांसमीटर में पैरिटी बिट ऐड करते हैं। अब पैरिटी बिट क्या, एरर डिटेक्शन के काम आता है, क्या काम आता है, एरर डिटेक्शन के काम आता है। तो देखो एरर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण हो सकता है, मिसमैच बॉड रेट के कारण हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसफर के कारण भी एरर जनरेट हो सकता है। तो एरर डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या लेते हैं, पैरिटी बिट लेते हैं। अब पैरिटी बिट अगर 0 अपन ऐड कर रहे हैं, 0 का मतलब हो गया कि जो डेटा फ्रेम में जो एक्चुअल डेटा है उसमें नंबर ऑफ वन इवन है। अगर अपन 1 ऐड कर रहे हैं इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ वन क्या है, ओड है। अगर अपन ने मान लो सपोज करो यहाँ से अपन ने 0 ऐड कर दिया और वहाँ पे 1 आ रहा है, इस 0 ऐड कर दिया, ठीक है, और नंबर ऑफ वन वो कितने आ रहे हैं अपने पास, अपने पास आ रहे हैं ओड, इसका मतलब उसमें क्या है, एरर है। इसका उल्टा अगर मान लो सपोज करो अपन ने 1 ऐड किया, 1 का मतलब जो डेटा है उसमें जो 1 bit है वो 1 bit क्या होनी चाहिए, वो ओड होनी चाहिए। अगर वहाँ पे इवन आ रही है और अपन ने पैरिटी बिट क्या भेजा है, 1 भेजा है, ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, वहाँ पे एरर जो है क्रिएट हो गया है, ठीक है, ये पैरिटी बिट है। तो पैरिटी बिट अपन ने स्टडी कर ली। स्टॉप बिट क्या है, अब लास्ट में जब डेटा फ्रेम कंप्लीट सेंड कर लेते हैं तो एक बिट जाता है जिसको अपन स्टॉप बिट, स्टॉप बिट 1 या 2 bit का हो सकता है। इसका मतलब रिसीवर को पता चल जाएगा कि जो डेटा आना था वो कंप्लीट डेटा अपने पास आ चुका है। अब स्टॉप बिट में क्या होता है, देखो टू सिग्नल द एंड ऑफ द डेटा पैकेट द सेंडिंग यू आर टी ड्राइव द डेटा ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। देखो तुम लोग स्टार्ट में हाई टू लो पे डिटेक्ट होता है, इसमें लो से हाई पे डिटेक्ट होगा, ठीक है। जब ये लो से हाई पे जाएगा तो जो रिसीवर साइड में यू आर्ट है उसको पता चल जाएगा कि डेटा जो अपने पास आना था वो कंप्लीट डेटा आ चुका है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यू आर्ट में जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको 1 by 1 स्टेप में करेंगे अपन। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में देखो ये यू आर्ट है ट्रांसमिशन साइड का, तो यू आर्ट सबसे पहले क्या करता है, ये डेटा बस है, मान लो अपन ने डेटा लिया 0100 11 01, ये डेटा लिया है, ये डेटा बस में डेटा है, ये इसके पास जाएगा, ये डेटा बस से डेटा को रिसीव करेगा। सबसे पहले जो डेटा है उसको पैरेलल फॉर्म में रिसीव कर रहा है। देखो द ट्रांसमिटिंग यू आर्ट रिसीव डेटा इन पैरेलल फ्रॉम द डेटा बस, क्या किया इसने, डेटा बस से डेटा को पैरेलली, ठीक है, रिसीव किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करेगा, यू आर्ट उसको सीरियल पैरेलल से किस में कन्वर्ट किया, सीरियल में कन्वर्ट कर दिया। देखो इसने सीरियल में कन्वर्ट कर दिया, 0100 11 01 सीरियल में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो गया, डेटा फ्रेम, ये एक्चुअल डेटा हो गया जो अपन ने डेटा बस से लिया था जिसको ट्रांसमिट करना है। अब सेकंड स्टेप में क्या करेगा, जो ट्रांसमिटिंग यू आर्ट है ये इसमें क्या करेगा, स्टार्ट बिट ऐड करेगा, ये स्टार्ट बिट 0++ का मतलब ऐड करना। उसके बाद ये क्या करेगा, लास्ट में पैरिटी बिट ऐड करेगा। अपन ने क्या किया, देखो नंबर ऑफ वन कितना है, 2 4, इवन है तो अपन ने 0 पैरिटी बिट ऐड किया। उसके बाद अपन ने 1 स्टॉप बिट ऐड किया, 1 स्टॉप बिट। देखो 0 का मतलब क्या हुआ, ये हाई से लो पे जाता है, 1 का मतलब, 0 का मतलब हाई से लो पे, 1 का मतलब कहाँ गया, लो से हाई पे गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, सेकेंड स्टेप में क्या किया, इसमें स्टार्ट बिट पैरिटी बिट और स्टॉप बिट जो है ऐड कर लिया।
अब अपने पास क्या हुआ, अब ये रेडी हो गया किसके लिए, रिसीवर को डेटा सेंड करने के लिए। तो अब ये क्या करेगा, सीरियल कम्युनिकेशन यूज लेगा और सीरियली वन बाय वन डेटा को सेंड करेगा। ठीक है, द इंटायर पैकेट इज सेंट सीरियली फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग यू आर टू रिसिंग यू आर्ट। द रिसिंग यू आर्ट सैम्पल द डेटा लाइन एट द प्री कॉन्फिगरेड बोर्ड रेट। जो बोर्ड रेट है जो प्री डिफाइंड होती है उस पे ये इसको क्या करेगा, सैंपल करेगा। अब देखो स्टार्टिंग में ये जो है LSB बिट से स्टार्ट करता है, किससे, LSB सबसे पहले स्टार्ट बिट जाएगी। देखो ये स्टार्ट बिट है, जैसे ही स्टार्ट बिट गई इसके पास रिसिंग यू आर्ट के पास यानी हाई से लो पे गई, तो रिसीवर जो है एक्टिवेट हो गया। रिसीविंग साइड में यू आर्ट क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया कि अब जो है डेटा फ्रेम अपने पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो डेटा फ्रेम का क्या गया, 0 1 0 0 1 1 0 1 ये गया अपने पास। देखो 0 1 0 0 1 1 0 1 यहाँ तक जो है डेटा गया अपने पास, डेटा रिसीवर रिसीविंग साइड में जो यू आर्ट है उसने डेटा फ्रेम ले लिया। उसके बाद क्या गया, पैरिटी बिट गया, क्या गया, पैरिटी बिट, पैरिटी बिट 0 है। अब ये चेक करेगा, ठीक है, अब पैरिटी बिट 0 गया, उसके बाद क्या है अपना लो से हाई पे गया, जैसे लो से हाई पे गया ये क्या गया, स्टॉप बिट गया। अब ये जो है इसको पता चल गया, रिसीविंग साइड में जो यू आर्ट है इसको पता चल गया कि डेटा फ्रेम जो डेटा ट्रांसमीटर को भेजना था वो कंप्लीट भेज दिया। अब ये क्या करेगा, एरर डिटेक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास पैरिटी 0 आई है कि नंबर ऑफ वन इवन है या नहीं है। अगर इवन है इसका मतलब जो डेटा फ्रेम अपने पास आया है वो एरर फ्री है, अगर ओड है इसका मतलब उसमें एरर है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या डेटा को सीरियली इसने रिसीव किया, ये अपने पास डेटा रिसीव हो गया। अब ये क्या करेगा, जो ट्रांसमिटिंग साइड में यूआरटी था उसने जो स्टार्ट बिट पैरिटी बिट और एड बिट ऐड किया था ये उसको रिमूव करेगा। तो देखो 0 माइनस स्टार्ट बिट पे लगा, इसका मतलब ये रिमूव कर रहा है, यहाँ पे ये रिमूव कर रहा है, इसको भी रिमूव कर रहा है, रिमूव कर दिया। अब इसके बाद जो है सीरियल फॉर्म में एक्चुअल डेटा है जिसको ट्रांसमिट किया था, अब ये क्या करेगा, इसको सीरियल से पैरेलल में कन्वर्ट करेगा और डेटा बस को देगा। तो देखो यहाँ से देखो 0 1 0 0 1 0 1 ये डेटा जो था इसने डेटा बस को दे दिया। तो ये कंप्लीट यूआर्ट कम्युनिकेशन है, मैंने डिटेल में बताया है आपको, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अपन यूआर्ट कम्युनिकेशन जो है इसके अपन एडवांटेज डिसएडवांटेज स्टडी करेंगे। तो एडवांटेज देखो, इसमें केवल 2 वायर यूज आते हैं, इसमें क्लॉक सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें हैज ए पैरिटी बिट टू अलाउ फॉर एरर चेकिंग, एरर चेक कर सकते हैं अपन। द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा पैकेट कैन बी चेंज लॉन्ग एज बोथ साइड आर सेट अप फॉर इट। जो डेटा पैकेट है उसकी लेंथ को अपन चेंज कर सकते हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड एंड वाइडली यूज मेथड है। डिसएडवांटेज अगर देखेंगे तो डेटा फ्रेम की जो साइज है वो मैक्सिमम 9 बिट है। डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल स्लेव और मल्टीपल मास्टर सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता। द बोर्ड रेट ऑफ ईच यू आर्ट मस्ट बी विद इन 10% ऑफ ईच। बोर्ड रेट जो है ईच अदर वो केवल 10% होती है। तो देखो मैंने जो यू आर्ट कम्युनिकेशन करवाया इसमें जो जो टर्म यूज आई थी, पहला टर्म आया था ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है, मैंने सिंक्रोनस एसिंक्रोनस दोनों को डिटेल में बताया तुम लोगों को। फिर इसमें आया था ये फुल डुप्लेक्स होता है, तो ट्रांसमिशन मोड मैंने बताया, सिंपल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स तीनों। तो ये अपना डिटेल में टॉपिक हो गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो SPI कम्युनिकेशन और I2C कम्युनिकेशन पे आएगा। अब आगे वाले वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, उसके बाद आपके समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो पे कमेंट, लाइक और इसको शेयर